waiting for people to join. Hello everyone, this side Mansi Mishra from Evento. Guys, we all know that like wedding planning is tedious, but Indian wedding planning is maddening. Like you are planning for several days, not just for ceremony or reception. So you have elements like planning for such elements like finding a mehndi artist, for finding pre-event suppliers, like you are trying to find caterers, choreographers, etc. So we don't plan them, we live and breathe them every single day. So we thought of it, why not to be of some help to all of you. So today we will be having Hansa Gajra with in our live session. So let me join her. She's a great mehndi artist. Let me join her. She will be teaching us like how we can like how beginners can work on their palm, like these days because of COVID thing we cannot go outside for having mehndi and all. So she will be telling all the basic things. Hey Hansa, are you there? I think waiting for Hansa to join. Hey Hansa, are you getting a pop-up or a notification to join? I don't know what problem she's having. I'm waiting for Hansa to join. Have sent the request. Hey Hansa, how are you? Hi Mansi, I'm good. How are you? I'm good. There was some problem, I think. आपको notification नहीं आ रहा था क्या? नहीं, actually मुझे notification नहीं आ रहा था, so मैं join नहीं कर पा रही थी. Okay, finally we are here. Even yes, viewers Mansi. Are ready to join, like no to know. So Hansa, हम beginning से शुरुआत करते हैं. Like आपका interest जी. इस field में कैसे आया और आप कैसे एक mehndi artist बनने का सोचा आपने? जी एक्चुअली जब कैसे है कि स्टार्ट जब मैंने किया तो एज अ हॉबी ही मैंने स्टार्ट किया था. बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस फील्ड में मुझे अपना करियर बनाना है या इसमें मुझे आगे कुछ करना है. सो एक हॉबी थी जो ऐसे लगा कि हॉबी है तो चलो उसे पूरा करते हैं. तो ऐसे मैंने सीखने का सोचा, लेकिन जब मैंने सीखना शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट आने लगा कि लाइक मैं घंटों तक मेहंदी करती रही फिर भी मुझे पता नहीं चले. लाइक वो एक मेहंदी करना मेरा पैशन बन गया. और फिर मैंने सोचा कि हाँ, अगर ये मेरा पैशन है तो फिर क्यों ना इसी में मुझे करियर बनाना चाहिए. तो अगर आप अपने पैशन को अपना करियर बनाते हो तो वो एक बेस्ट वे होता है, या तो एक बेस्ट प्रोफेशन होता है आपके. तो राइट, तो ऐसे ही मेहंदी आर्टिस्ट, एज अ मेहंदी आर्टिस्ट मैंने अपना करियर शुरू किया. ओके, सो आपने कुछ ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से लिए?
जी बिल्कुल, ट्रेनिंग मैं एक्चुअली मुंबई बेस्ड हूँ, तो मुंबई में ही एक गीता पटेल जी है, तो मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया स्टार्टिंग में। फिर हरेन दलाल सर है, तो उनसे ट्रेनिंग ली। यश सर, तो ये सारे मेरे गुरु हैं जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली। आप भी क्लासेस लेते हैं? जी जी बिल्कुल, अभी तो काफी सालों से, इस फील्ड में मुझे ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए हैं, तो काफी सालों से, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से तो मैं भी क्लासेस ले रही हूँ। जी ओके, सो आप अपना खुद मेहंदी वगैरह बनाते हैं या रेडीमेड कुछ परचेज करते हैं फॉर पुट ऑन ब्राइडल्स हैंड? नहीं, हम खुद ही बनाते हैं। रेडीमेड जनरली प्रिफर नहीं करते, बिकॉज रेडीमेड मेहंदी, हम जो घर पे मेहंदी बनाते हैं वो नेचुरल मेहंदी होती है, नेचुरल पाउडर होता है, जो काफी फाइन पाउडर होता है। अगर हम रेडीमेड मेहंदी को ले अगर, तो वो काफी कुरकुरा मेहंदी होता है, मे बी उसमें कोई केमिकल यूज होते हैं, तो वो बिल्कुल हम प्रिफर नहीं करते। तो हम घर पे ही बनाते हैं मेहंदी, जो काफी अच्छी क्वालिटी का पाउडर होता है, और जिसमें हम जो कलर लाने के लिए जरूरी होता है, सिर्फ एक यूकेलिप्टस ऑयल एंड क्लव ऑयल, बस वही हम ऐड करते हैं और फ्रेश मेहंदी बनाते हैं। तो क्या वो जी जो हैंडमेड मेहंदी होती, कभी आपके सामने ऐसे कोई केस आया है कि उससे इरिटेशन हुई हो किसी के हाथों में और ऐसा कुछ? हैंडमेड मेहंदी से जनरली नहीं होती। अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव रहे तो हम उन्हें पहले ट्रायल दे देते हैं, लेकिन 99% उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज हम उसमें जीरो केमिकल होता है, हम उसे कुछ भी ऐड नहीं करते जो आपकी स्किन को कभी प्रॉब्लम दे सके, वैसा कुछ भी ऐड नहीं करते। दैट इज रियली वेरी गुड कि होम में जी होम। या ओके, तो फिर आप मतलब जब कैसा कितना टाइम लगता है स्टेन होने में, उसका कलर आने में? लाइक अगर एक शादी के पर्पस से ब्राइड अगर लगवाना चाहती तो बेस्ट टाइम क्या होगा कि वो कितने दिन पहले वो मेहंदी लगवाए? राइट, तो जनरली ये एक दिन के गैप पे लगाते हैं। अगर हम घर पे मेहंदी बनाते हैं, वो अगर वो केमिकल फ्री मेहंदी है, तो उसे कलर चढ़ने को थोड़ा सा टाइम लगता है, ग्रेजुअली उसका कलर चढ़ता है। अगर आप मार्केट का कौन, अगर आपने कभी यूज किया हो, तो आप देखेंगे कि आप लगाए और पानी से वॉश कर दिया, फिर भी तुरंत वो डार्क हो जाती हो है जाती मेहंदी। है, राइट? लेकिन हाँ अगर ये घर पे बनाई हुई मेहंदी है, अगर आने के लिए, तो हम एक दिन के गैप पे, अगर डे आफ्टर टुमारो आपकी आपका फंक्शन है, तो हम आज लगवाना सजेस्ट करेंगे कि एक दिन के गैप पे आप लगाएं, ताकि अच्छे से कलर आ जाए आपको। ओके, तो आपको जी क्या सेटअप रिक्वायर रहता है जब भी आप मेहंदी लगाते हैं, कि आपको एक्स्ट्रा लाइटनिंग की जरूरत पड़ती है ऐसा कुछ? बिल्कुल, और स्पेशली तो व्हाइट लाइटनिंग की जरूरत होती है। आज जैसे इंटीरियर होते हैं घरों में, तो काफी छोटे से बल्ब येलो कलर के हाँ लगे हुए हाँ होते हैं, तो वॉर्म ऐसा लाइट्स, कुछ होता हाँ है तो वार्म लाइट होती है, राइट? तो ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम पहले से बोल देते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ी सी लाइटनिंग जहाँ पे अच्छी लाइट आती हो। अगर हम डे टाइम में करते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर इवनिंग का टाइम रहा तो हम बता देते हैं कि हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि जहाँ प्रॉपर आपकी लाइट हो, या अगर नहीं लगी हुई है तो वो एक्स्ट्रा लाइट्स मंगवा के रख सकते हैं, या तो फिर चेयर है या स्टिफ पिलोज है। तो अगर कंफर्टेबल है, अगर ब्राइड के लिए और हमारे लिए, सबके लिए कंफर्टेबल है, बिकॉज ये लॉन्ग प्रोसीजर होता है, तो इतना टाइम अगर हम कंफर्टेबली बैठ के कुछ आर्ट वर्क करते हैं तो वो इजी हो जाता है, अगर सारा अरेंजमेंट प्रॉपरली हो तो। एक ब्राइड को मेहंदी लगाने में कितना ऑलमोस्ट टाइम लग जाता होगा? ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स लगते हैं, डिपेंड ऑन द डिजाइन। आप कैसे है कि डिजाइन क्या करवाते हो, आपकी लेंथ क्या है, अकॉर्डिंगली 4 to 5 आवर्स लगाते हैं। मेरे साथ मेरे दो टीम मेंबर्स भी होते हैं, तो हम 3 जन मिलके अप्लाई करते हैं टोटल। सो फिर भी फोर ऑन टू बोथ फाइव आवर्स हैंड्स एक एवरेज, एंड बोथ ओके हैंड्स लाइक बोथ लेग्स बोथ कंप्लीट लेग्स, कंप्लीट। ओके हाँ ओके हाँ तो 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं, डिपेंड ऑन द लेंथ, ओके लेकिन लाइक ये अगर कभी, एवरेज टाइम हाँ है बिल्कुल। फोर टू कभी फाइव किसी आवर्स की, हाँ कभी किसी को बहुत ज्यादा मेहंदी का शौक होता है और उनको कभी बड़ी मेहंदी लगवाने हैं, या तो कोई फिगर हाँ वर्क ऐड करवाने राइट होते हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली कभी कभी ऐसे होता है कि मोर देन 5 आवर्स लग जाते हैं। ज्यादा डिटेलिंग, जितना ज्यादा डिटेलिंग हम करते हैं तो उतना वो ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन एक ये एवरेज टाइम है 4 to 5 आवर्स का। तो जी आप मोस्टली डिटेलिंग रखते हैं या ऑन डिमांड भी रखते हैं?
नहीं, ये ऑन डिमांड होता है, डिटेलिंग होती है, मतलब कैसे है कि एक ब्राइडल पैकेज होता है तो उनकी कुछ यूनिक फिलिंग्स होती है, या पिकॉक होते हैं, या ढोल शहनाई होते हैं, या दूल्हा दुल्हन होते हैं, ये सारे डिटेलिंग ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन उसके बाद ऑन डिमांड लाइक पर्सनलाइज, आजकल पर्सनलाइज मेहंदी बहुत या लोग लगवा ट्रेंडी रहे मेहंदी, हैं, लाइक हाँ, अपने बहुत अकॉर्डिंग, ट्रेंड अपने है, राइट अपने लाइक नेम कैसे के था कि अकॉर्डिंग अपने। बिल्कुल बिल्कुल लाइक पहले कैसे था कि एक एक दायरे में चलती थी मेहंदी, मतलब मेहंदी ब्राइडल मेहंदी है तो वो ही लगाना है, लाइक ढोल शहनाई है या बारात लगा ली या दूल्हा दुल्हन के फेसेस लगवा दिए तो ये हो गई ब्राइडल मेहंदी। तो ये पहले का ट्रेंड था जो काफी सीमित था, मतलब काफी लिमिटेड उसमें डिजाइन या चीजें लगवाया करते थे, लेकिन अभी कैसे है आज के टाइम में मेहंदी का पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है, लाइक हर ब्राइड की अपनी एक पर्सनल स्टोरी होती है और उसी हिसाब से वो अपनी मेहंदी लगवाना चाहती है, लाइक हमारी काफी ब्राइड ऐसी होती है वो ऐसे डिमांड करती है कि भाई मेरा ग्रूम कहीं और कंट्री से है और मैं इंडिया से हूँ तो मुझे स्काईलाइन लगवाना है, तो दो कंट्री के हम स्काईलाइन करते हैं, या तो अभी तो ऐसे है कि डिमांड में होता है कि मेरी फेवरेट चीजें क्या है, खाने की चीजें, पीने की चीजें, या मुझे स्टारबक्स बहुत पसंद है, या मुझे मैकडोनल्ड्स बहुत पसंद है, या हम पहली बार कहाँ पे मिले थे, या तो हमारा लोगो क्या है, वेडिंग थीम क्या है, मतलब पहले ऐसे था कि एक शादी की थीम को लेके आप जितना सोचते थे ना सिर्फ वही मेहंदी में लगता था, और आज ऐसे हो गया है कि आप आपकी पूरी लाइफ के बारे में जितना सोच सकते हैं ना वो सब कुछ आप मेहंदी में लगवा सकते हो, तो ये सारी चीज पर्सनलाइज करते हैं, और अभी मेनली दिस ईयर तो काफी ब्राइड की डिमांड ऐसी है कि अगर हम आउटफिट, चलो हम सब्यासाची का आउटफिट पहन रहे हैं तो इसमें जैसे थीम है लाइक सब्यासाची के उसमें बारात बनी हुई है या घोड़े और हाथी बने हुए हैं, तो एग्जैक्ट जो बॉर्डर वो होती है जो उनके आउटफिट में होती है वो हमें फोटो भेजते हैं कि हमें ये बॉर्डर लगानी है हमारी मेहंदी के साथ, तो जो हम कटवर्क करते हैं मेहंदी में तो वो कटवर्क के बदले हम वो डिजाइन को लेके कटवर्क बनाते हैं, और हमारे पास कैसे है कि ब्राइड जब बुकिंग करवाती है काफी टाइम पहले से बुकिंग करवाती है, उनके आउटफिट के डिजाइन्स भी पहले से बुकिंग होती है, कैसी डिजाइन है क्या है, तो हमें काफी टाइम मिल जाता है वो प्रिपेयर करने के लिए कि किसको क्या चाहिए, क्या किसका कंसेप्ट है, तो फिर अकॉर्डिंगली हम डिजाइन बनाते हैं और फिर वो वेडिंग टाइम में हर किसी की पर्सनलाइज मेहंदी लगती है, सो बोल सकते हैं कि पूरा थीम या तो पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो गई है हाँ, इस टाइम में मेहंदी की। सब कुछ चेंज यस हो चुका है, लाइक अपना पर्सनल चीजें भी सब अब। कुछ राइट राइट सब कुछ चेंज हो चुका, और कैसे है कि मतलब ब्राइड इतनी इनोवेटिव है कि जैसे उनकी डिमांड होती है ना अकॉर्डिंगली हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है, जैसी जो डिमांड करेगा वैसा हमें करना है, और वो करना हम एंजॉय भी बहुत करते हैं बिकॉज रोज वो एक चीज करो उससे अच्छा है रोज कुछ नया करो, तो हमें भी वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि वाह चलो आज कुछ नया करना है, सो यस बहुत एंजॉय करते हैं ऐसे। तो कभी ऐसा भी होता होगा कि आप ब्राइड के साथ साइडर्स लाइक मदर सिस्टर सबको करते होंगे, तो आप एक दिन में लाइक अगर कितने ब्राइड या कितने साइडर्स आप कर लेते हैं, कवर कर सकते हैं देखिए या? ब्राइड का तो कैसे है कि एवरेज हम 2 से 3 ब्राइड डेली करते हैं सीजन में, दो ब्राइड होती है तो काफी इजी होता है मैनेज करना, लेकिन कभी 3 ब्राइड होती है तो हम टाइम देते हैं लाइक एक ब्राइड को एवरेज 4 to 5 आवर्स, और डिजाइन भी सबकी पहले से बुक पता होता है कि किनको क्या करना है तो हमें एक अंदाजा होता है कि उनको कितना टाइम लगना है, कि इन्हें 4 घंटा लगना है या 5 घंटा लगना है, कितना टाइम लगना है वो हमें एक रफ आइडिया तो पक्का होता है, तो उसके बाद हम ऐसे टाइम स्लॉट उन्हें प्रोवाइड करते हैं लाइक जब बुकिंग होती है ना तो उसी टाइम वही टाइम देते हैं, लाइक मॉर्निंग 7 o'clock का मेरा फर्स्ट टाइम स्लॉट होता है, आफ्टरनून 12:30 का सेकेंड, और इवनिंग 6:30 का थर्ड, 6:30 to 7, तो एक 4 घंटे के बाद एक ट्रैवलिंग टाइम रखते हैं, थोड़ा बफर टाइम रखते हैं,
और अकॉर्डिंगली हम उन्हें टाइम देते हैं, तो थोड़ा एकदम ऑन शेड्यूल रहना पड़ता है, लेकिन मैनेज हो जाता है तीन ब्राइड करना। और उसमें भी अगर हमें लगे कि ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा है तो फिर हम दो ही ब्राइड लेते हैं। फिर ऐसे नहीं होता है कि चलो खत्म करना है तो फटाफट करो या जल्दी करो, तो दो ब्राइड लेते हैं अगर ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा है, या तो जो प्लेसेस हमें जाना है वो काफी दूर है तो दो ब्राइड लेते हैं, और एल्स एवरेज तीन ब्राइड करते हैं। और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हो, ऑलमोस्ट अगर मेहंदी पार्टी है तो 100-200, जितने भी आपके गेस्ट है या तो जितने भी क्लोज फैमिली है, वो उन सब के लिए हमारे पास टीम है। लाइक अगर मैंने आपको जैसे बताया कि यस मैं क्लासेस भी लेती हूँ, तो क्लासेस में जो स्टूडेंट होते हैं हमारे, जो तो वेल जैसे ट्रेन्ड उनकी होते हैं। क्लासेस खत्म होती है हम उन्हीं को ट्रेन करते हैं कि लाइक देखिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी है, या तो गेस्ट के लिए हम ऐसी मेहंदी लगाते हैं, तो प्रॉपर सब एक दूसरे को लगाते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं सब एक दूसरे के हाथ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो इस ट्रेनिंग के बाद ये सारे स्टूडेंट वो टीम में शामिल हो जाते हैं और वो ऑर्डर्स पे काम करते हैं सीजन के दौरान। तो उनका भी बेनिफिट हो जाता है कि लाइक उन्होंने क्लास किया तो जो आर्न अमाउंट किया। उन्होंने सीखने के लिए डाला, तो उसके बाद उन्हें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलता है। बिकॉज आप क्लास में सीखो और ऑर्डर पे सीखो, दोनों में काफी फर्क होता है, तो एक उनको एक्सपीरियंस भी मिल जाता है और वो कुछ उनका अर्निंग भी हो जाता है। तो लाइक हम इसी लर्न एंड अर्न, तो वो इजी हो जाता है उनके लिए क्लासेस करना, क्लासेस के बाद ऑर्डर्स करना, और वही अमाउंट वो इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि हाउ मेनी इयर्स नीड फॉर अ बिगिनर टू कंप्लीट गेट अ गुड परफॉर्मेंस इन दिस आर्ट, मतलब बिगिनर्स को कितना टाइम लगता है इस आर्ट को सीखने में। ऐसे कुछ फिक्स टाइम हम नहीं बता सकते कि आपको कितना टाइम लग सकता है, लेकिन बोल सकती है कि आप बस लगे रहो उसमें, आप प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज मतलब हाथ इट्स हमारा बैठने हाँ को, हाँ क्योंकि ये एक आर्ट है, उसमें कुछ बोल नहीं सकते कि हाँ ये आपको एग्जैक्ट 6 महीने में आ जाएगा या एग्जैक्ट 8 महीना में आ जाएगा। लेकिन एक चीज फाइनल है कि आप जो आज करते हो वो जो करोगे और 1 महीने के बाद जो करोगे, डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट होगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो। तो ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन अगर करते रहो करते रहो करते रहो तो डेफिनेटली, मैं भी मेरा 1 साल पहले का भी अगर काम देखूं और आज का देखूं, तो मुझे लगता है कि नहीं ये इम्प्रूव है। मतलब आप किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाओ या आप कितना भी प्रोफेशनली काम कर लो, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आप उसको इम्प्रूव करते जाओगे। तो बिगिनर्स के लिए मैं इतना कहना चाहूंगी कि बस आप प्रैक्टिस करते रहो, जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत वो सब आ जाएगा या आपका काम तुरंत सबको अच्छा लगने लग जाएगा। पॉसिबल है कि शुरुआत में आपको आपका काम कोई रिफ्यूज भी कर ले कि भाई आप अच्छा नहीं लगा रहे हो या क्या कर रहे हो, तो उसे हमें पॉजिटिवली लेकर हमें उसमें इम्प्रूव करना चाहिए कि भाई किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं पसंद आ रहा है, तो चलो हम इसमें और मेहनत करते हैं या और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल अच्छा होना ही होना है। मतलब दिस इज नॉट लाइक अदर कोर्सेस की एक साल लग जाए, या मतलब जैसे कि ग्रेजुएशन में 3 साल लग रहे हैं, 4 साल, ऐसा कुछ नहीं। राइट राइट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मे बी आपका सीखना हो जाए, लेकिन सीखने के बाद भी आप जितनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे, राइट, आपका हाथ उतना ही बैठता जाएगा, कि जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा होते जाएगा। मतलब बिगिनर्स को जी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए करीब कितना टाइम चाहिए होगा, 2-3 महीना कुछ अप्रॉक्स? एवरेज 2-3 मंथ्स में एवरेज हो जाता है, मे बी थोड़ा ज्यादा भी लग जाता है, बिकॉज टोटल कंसेप्ट सीखने के लिए, मेन बेसिक सीखने के लिए ही 2-3 मंथ्स जाता है, बिकॉज वो ही मेन होता है, कोन कैसे बनाने से लेके कोन कैसे चलाना, उसका ग्रीप कैसे होना, तो ये सब बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है। और ये डिटेलिंग बेसिक में ही अगर आप ध्यान दो ना, तो आगे जाके आपके फिनिशिंग अच्छी होनी है, और अगर बेसिक में ही कुछ गड़बड़ हो तो आगे जाके आप कितना भी कुछ कर लो, आपको घूम फिर के वापस वही बेसिक पे ही आना है, जहां से आपको वापस रीस्टार्ट करना है वही प्रैक्टिस करनी है और फिर आगे जाना है। तो शुरुआत की टाइम होती है जब बहुत टाइम, ज्यादा टाइम भी लगता है, तो मतलब किसी ने करते यहाँ रहना पे चाहिए कि हाँ कि भाई 4 महीने हो गए अभी तक कुछ आया नहीं, तो चलो नहीं हो रहा है छोड़ दो, बस करते रहो हो जाएगा अच्छा फॉर श्योर।
ओके somebody, मतलब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि आपका एवरेज कुछ कॉस्ट, कुछ प्राइसिंग अगर आप बताना चाहें तो जी डेफिनेटली। तो द ब्राइड के लिए आई मेरा वी क्या, ऑल नो, हाँ वी ऑल हाँ नो कि तो कैसे लेंथ है के कि अकॉर्डिंग एग्जैक्ट चीजें, फिक्स प्राइस हम कुछ नहीं बता सकते, बिकॉज कैसे है कि लेंथ और डिजाइन के ऊपर प्राइस होते हैं कि आप डिजाइन क्या करवाते हो, आप लेंथ कितनी करवाते हो, आप डिटेलिंग क्या चाहते हो, जिसके हर चीज के हमारे पास फोटोज होती है जो हम क्लाइंट को पहले दिखाते हैं, और वो जैसे सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली हम उसके चार्जेस बताते हैं। लेकिन फिर भी ब्राइडल पैकेज हमारा 12,000 से स्टार्ट होता है। ओके थैंक यू फॉर टेलिंग अस दिस। तो जी क्या आपको आप केयर इंस्ट्रक्शंस भी बताते हैं मेहंदी लगाने के बाद कि क्या केयर करनी है उसकी? हाँ, वो हम हर ब्राइड को बताते हैं, बिकॉज कैसे है कि मेहंदी लगने के बाद जितनी सुंदर लगती है, अगर उसका कलर थोड़ा सा भी कम आए ना, तो उसका पूरा चार्म ही चला जाता है। तो डेफिनेटली अच्छा कलर बहुत जरूरी है। तो हम जो मेहंदी लगाते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये केमिकल फ्री मेहंदी है, तो इसे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, या तो ज्यादा इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है कि लाइक लगने के बाद जब आप मेहंदी उतारते हो 4-5 घंटे के बाद, उसके बाद 24 आवर्स तक पानी में नहीं डालना होता है हाथ, तब जाके उसका कलर ग्रेजुअली चढ़ता है। और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जो रेडीमेड कोन से मेहंदी लगती है, उसका कलर यूं पपड़ी की तरह उतरता है। मतलब जितना डार्क या कलर आता है नेक्स्ट डे उतनी या तो एक जल्दी दिन के वो बाद ही, जैसे आपने हाथ वॉश किया तो वो पूरा पपड़ी की तरह निकल के बाहर आ गया। तो हम जो मेहंदी यूज करते हैं तो उसकी केयर भी ज्यादा करनी पड़ती है, तब जाके वो ग्रेजुअली कलर चढ़ता है। 1 वीक तक करीबन वो कलर रहता है, और उसके बाद जब वो निकलता है तो भी वो ग्रेजुअली निकलता है, लाइक धीरे 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 कम होके ओके फिर निकलती है वो मेहंदी। तो लाइक सम आर्टिस्ट नोन फॉर मॉडर्न मेहंदी, कुछ फिंगरीज के लिए, कुछ अरेबिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, कुछ जी मॉडर्न स्टाइल के लिए, तो जी लाइक व्हाट यू हाँ, नोन फॉर? स्पेशली ब्राइडल मेहंदी के लिए वो करना मुझे ज्यादा पसंद है, वो करना मैं ज्यादा चाहती हूँ, बिकॉज उसमें जो डिटेलिंग होती है, या आप एक ब्राइड या ग्रूम जब बनाते हो तब आप उसकी जो डिटेलिंग करते हो, तो वो करने में जो मजा है ना, तो ऐसे लगता है कि ऐसा मजा, लाइक एज अ आर्टिस्ट हर चीज करने में मजा आता है डेफिनेटली। लेकिन आप बोल सकते हो कि वो डिटेलिंग करने में बहुत मजा है, तो वो मेरा फेवरेट है। तो क्या आप हमें एक छोटा सा डेमो दे सकते हैं, लाइक फॉर बिगिनर्स हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आजकल कोविड की वजह से कोई बाहर नहीं जाना चाहता है, या किसी से, तो आप कुछ डेफिनेटली अगर आप मुझे बताएं वो किस टाइप का आप डेमो देखना चाहते हैं, तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा। एनी शॉर्ट ऑफ लाइक बिगिनर्स, छोटा मोटा कुछ ट्रायल आप अगर देना चाहें? ठीक है, श्योर, थैंक जस्ट अ यू, सेकेंड, मैं या मेरा श्योर, कैमरा सेट करती हूँ। या ये कोन्स भी आप खुद ही बनाते हैं? जी बिल्कुल, ये कोन्स भी हम खुद बनाते हैं, और जब हम क्लासेस लेते हैं तो लाइक हम मेहंदी भिगाने से लेके कोन बनाने तक मतलब पूरा हर चीज प्रोसेसिंग, सिखाते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट भी बेस्ट क्वालिटी यूज करे या तो प्योर क्वालिटी यूज करे। कोई पूछ रहा है क्लासेस देते हैं क्या? जी बिल्कुल क्लासेस देती हैं मैम। ये आपको ये विजिबल है? या विजिबल है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया बिगिनर्स के लिए तो नहीं, लेकिन मैंने बताया जैसे आपको कि वो ब्राइडल मुझे करना लाइक मेरा आप बहुत अभी फेवरेट है। अभी ब्राइडल इज जी गुड, लाइक अभी कमिंग फेस्ट आ रहा है रक्षाबंधन, तो आप कुछ उससे रिलेटेड अगर कुछ बना दे। उसके रिलेटेड पक्का हम बना सकते हैं, लेकिन राइट नाउ वो बनाने के लिए है ना, हमें टोटल 1.5-2 घंटे लग जाएंगे एक पूरा वो बनाने के लिए, जो हाँ पूरा रक्षाबंधन सीन के क्रिएट। हाँ कनेक्शन में होगा। लेकिन रक्षाबंधन के दिन वो मेरे पेज पे आप फॉर श्योर देख सकते हो, वो श्योर रक्षाबंधन के श्योर, दिन पक्का मैं अपलोड करूंगी। ओके ओके जस्ट अ सेकंड। या अच्छा। हाँ, तो जैसे मैंने बताया मानसी, वो ब्राइडल करना मेरा बहुत फेवरेट है, तो या एक छोटा सा ब्राइड का स्केच ही मैं आपको करके बताना चाहूंगी। ओके
अगर आपको कुछ आगे पीछे दिखे तो आप मुझे बता हाँ सकते हैं। श्योर। जैसे ये डिटेलिंग होती है कि अगर आप ब्राइड बना रहे हो तो उसकी आंखें आपको थोड़ी लंबी करनी है, उसकी आंखों को कर्व देना है। अगर हम सेम ग्रूम का फेस बनाते हैं तो उसकी आंखें थोड़ी डिफरेंट करते हैं। तो ये काफी छोटी छोटी डिटेलिंग होती है, लेकिन ओवरऑल इससे काफी लुक चेंज हो जाता है। तो ये जो ब्राइड के हेयर एक्सेसरीज होते हैं, या तो कुछ फ्लावर्स उसने डाले हुए होते हैं अपने जोड़े में, या तो ये वेरी सारे वेरी डिटेलिंग का अपना स्मॉल ही मजा डिटेलिंग, आता है। या कहाँ पे लाइन को पतला होना है, कहाँ थिन रखना है, कहाँ ब्रॉड रखना है, बिल्कुल 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 इट नीड्स वेरी लाइक वेरी सो मच थैंक प्रैक्टिस। यू, यस थैंक यू। Viewers are enjoying it so much. थैंक यू। Yeah, she's just amazing. Hi, everyone. कोई पीनल परामर है, वो पूछ रहे हैं एक फिगर करने में कितना टाइम लगना चाहिए। एक्चुअली लगता है 10 से 15 मिनट, लेकिन कितना लगना चाहिए ऐसे नहीं होता है। अगर आप
आप अभी अभी फिगर वर्क कर रहे हो और आपका ज्यादा टाइम लग रहा है तो इट्स कम्प्लीटली ओके। जरूरी नहीं है कि आपका उतने ही टाइम में खत्म होना चाहिए। मेन थिंग ही वो आप अच्छा बनना चाहिए, उसकी डिटेलिंग अच्छी बननी चाहिए या फिगर में वो नजाकत होनी चाहिए। तो टाइम दिस इज मैटर नहीं करता विजिबल. कि हाँ टाइम लाइक बिल्कुल मैटर आपके इस नहीं फेस में ही करता। लग रहा है. बिल्कुल, थैंक यू। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका टाइम क्लैश कर गया हो मेकअप आर्टिस्ट और फोटोग्राफर? गाइस, इट इज वेरी सिंपल थिंग. आप बिल्कुल, काफी मतलब हाँ हुआ है ऐसा 2-3 बार। ज्यादातर हम प्रिकॉशन रखते हैं कि अगर हमें बैक टू बैक हाँ ड्राइव है तो हम जब उनकी बुकिंग जो लेते बुकिंग हैं स्लॉट उसी, है. हाँ हाँ उसी टाइम हम उनको बोल देते हैं कि आपके लिए हमारे पास इतना टाइम है जो मेहंदी करने के लिए मोर देन इनफ है। लेकिन अगर ज्यादा और थोड़ा सा बफर टाइम ऑलवेज होता है, लाइक 15-20 मिनट अगर वो वेट करवाते हैं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। इतना ऑलवेज टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा होता है कि इतने टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि ज्यादा टाइम निकल गया तो फिर उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट बैच के साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा लेट चले या नहीं चले। और अगर उनका भी कैसे ब्राइड का बैक टू बैक कोई ना कोई फंक्शन ऑलवेज होता है, और अगर हाँ, उनको नहीं ऑब्वियसली. चले तो जो हमारे साथ जो हमारी टीम मेंबर आते हैं करने के लिए तो हम एक को वहीं पे छोड़ते हैं जो ब्राइड को कंप्लीट करते हैं। 99% ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर 1% कभी ऐसा हुआ तो एक जन को वहां छोड़ते हैं। जो मेन चीज होती है, जो मेन फिगर्स होते हैं या जो मेन डिजाइन होती है वो मैं खुद करके निकल जाती हूँ, और उसके बाद जो मेरे टीम मेंबर्स होते डिटेलिंग हैं वगैरह. वो उन्हें सिर्फ डिटेलिंग जो मेन फील करने का होता है तो वो करते हैं। लेकिन प्रॉबेबली हम ट्राई करते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो, बिकॉज वो ब्राइट छोड़ के जाना वो बिल्कुल हमारे एथिक्स में ही नहीं आता। गाइज, दिस इज वंडरफुल. मेहंदी यू ऑल कैन सी हियर, एंड ऑफ कोर्स वी विल सेव दिस वीडियो लेटर ऑन. जो भी आपसे मिस हो गई है, लाइक आप यू वर आस्किंग अबाउट द टीचर्स ऑफ हंसा मैम, सो एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम देयर ओनली. वी विल अपलोड दिस लेटर ऑन. गाइज, एवरीवन, मैं आप लोगों को साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इवेंटो रक्षाबंधन के लिए एक कॉन्टेस्ट करने जा रहा है, तो स्टे ट्यून विद अस श्योर मानसी, फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड प्राइज विल बी ऑफ 2000 कैश प्राइज. सो
ये जो हम उसकी साड़ी का या तो आउटफिट का डिजाइन बना रहे हैं, वो भी हम चेंज करते हैं, या तो ये जो उसे नथनी पहनाई है, लाइक आप मेरे पेज पे देखोगे तो हर कास्ट वाइज, लाइक अगर कोई महाराष्ट्रियन ब्राइड है तो उसने वो नथ पहन रखी है, ये नथ की जगह वो पहनते हैं जैसी वो स्मॉल कैरी वन के शेप की हाँ होती है, या तो वैसी नथ, या तो वो मंडवले पहनते हैं महाराष्ट्र में जैसे, तो वो पहन रखा है, या तो फिर गुजराती ब्राइड है तो उस हिसाब से उसके आउटफिट, या तो उसका पूरा श्रृंगार, या तो बंगाली है तो उस हिसाब से। तो आप लाइक आप हमारे पेज पे विजिट करोगे तो आप देखोगे कि कास्ट वाइज जो भी ब्राइड होती है वो कास्ट वाइज हम पूरा ये भी चेंज करते हैं, लाइक ब्राइड का फेस गेटअप सेम है लेकिन कभी छोटी बनाई, या तो ये इसमें जैसे हमने बन बनाया हुआ है, या तो इसकी साड़ी की जैसा स्टाइल है तो वो उस हिसाब से चेंज हो जाता है। अगर पंजाबी ब्राइड है तो उस हिसाब से होता है, महाराष्ट्रियन ब्राइड है तो उस हिसाब से होता है। तो ये सारी डिटेलिंग हम जैसी रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं। तो लाइक ये पेपर है तो शेडिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, अदरवाइज हम जब हाथ में बनाते हैं तो लाइक ये आई शेडो है, या तो यहाँ पे थोड़ा ब्लश ब्लश शेड टाइप है, हाँ, तो अकॉर्डिंगली शेडिंग करते हैं तो वो काफी अच्छा लुक देता है। तो पेपर में करना डिफिकल्ट है। इट्स रियली वंडरफुल थैंक यू मानसी। थैंक यू हंसा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए जिन्हें जो आपको बोल रहे हैं कि मिस यू मैम एंड ऑल लाइक थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक विद यू अस मानसी एंड थैंक यू इवेंट टू। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्दी श्योर डेफिनेटली ओके टेक केयर बाय बाय। बहुत मजा आया आपके साथ सेशन करके सेम थैंक योर मानसी, सेम योर, हमने भी बहुत एंजॉय किया, थैंक यू, यू बाय बाय टेक केयर बाय, टेक केयर। गाइज दिस सेशन वाज वेरी लर्निंग वेरी हंसा वाज वेरी वेरी वार्म वेरी हम्बल पर्सन वेरी स्वीट हार्ट सो And yeah, her work is amazing, super realistic. So, guys, for further further learning, for further questions with vendors like mehndi artists, like choreographers, for more like with dietitians, like so many sessions with so many vendors, you all can ask any of मतलब you can ask any questions in this live session also. And apart from this, you all can DM us for live sessions. For collaboration with Eventu, and yeah, for Raksha Bandhan, we'll be having a contest. So, उसमें participate जरूर करिएगा. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Bye bye. Take care. See you soon.